मैं आपको पहले दिखेगा नैनीताल जू का फुटेज, क्योंकि काफ़ी बढ़िया था, तो मैंने सोचा कि इसके स्टार्टिंग में मैं नैनीताल जू का फुटेज आपके साथ शेयर करूं कि आप भी इंजॉय कर सको, और उसके बाद डायरेक्टली हम वीडियो में आगे जाएंगे। हम जाएंगे सत्यनिकेतन केसी किचन में, जहाँ पे काफ़ी रॉयल फूड मिलता है और काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट है। आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, या तो फैमिली के साथ, या तो आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो, तो सब बढ़िया है। चलो बिना किसी देर करे वीडियो में आगे चलते हैं। तो अभी हम फाइनली आ गए हैं नैनीताल जू में सारे, मैं, विशेष, निधि और श्रीकांत। तो हम यहाँ से आगे एक्सप्लोर करते हैं जू में क्या क्या है देखने के लिए। तो चलो आप फाइनली गाइस, ये है टाइगर केज ऊपर। तो अब हम देखने जाएंगे, टाइगर देखने जाएंगे, बंगाल टाइगर है। और अगर मैं आप कुछ इंफॉर्मेशन देखना चाहे टाइगर के बारे में, तो यहाँ पे आप बोर्ड पे पढ़ सकते हो। तो चले, तो चलते हैं टाइगर देखने। काफी ह्यूज है ये रहा टाइगर, अब तो क्लियर दिख रहा होगा गाइस आपको। अरे वाह, बहुत ही बड़ा है ये तो भाई साहब। सोहिल क्या कह रहा था तू? मैंने कहा था नहीं, ये खड़ा हो जाएगा ना तेरे हाथ से, हाइट से डबल मुझे निकल लगा जाएगा। छोटे छोटे से ना ना भाई, लगा टाइगर को देख के भाई खतरनाक था ना। हमने देख लिया टाइगर, टाइगर देखते हैं। ठीक है, आप देखते हैं दूसरे जानवर और कौन से एनिमल्स है यहाँ पे, तो मिलते हैं आपको वीडियो में करके बताते आगे। तो गाइस ये है बियर का केज, और यही पे बैठा है ब्लैक बियर। ये भालू है, सुन नहीं रहा हमारी, ये सुन नहीं रहा है, कर क्या रहा है ये? ये याद कर अपने प्रेमिका को, ये घास खा रहा है, घास खा रहा है, ये अभी खाना वाना खा रहा है डाइटिंग पे, डाइटिंग पे। हाँ कमजोर हो रहा है ये तो, कीटो डाइट पे चल रहा है, कीटो डाइट पे। तो भालू हेलो, देख तेरा भाई आया तुझसे मिलने। हेलो मिस्टर बियर, हेलो। नाराज हो गया लगता है, नाराज हो गया ये, आशिकी में पड़ गया ये बेचारा। ये लड़कियों की तरह मुंह फुला के बैठा है, सोहिल ने से कितना समझाया पर ये माना नहीं। ये लड़कियों की तरह क्यों खा रहा मुझे ये बताओ। तो अब गाइस हम देखने जा रहे हैं लेपर्ड, लेपर्ड है ना विशेष यहाँ पे? हाँ भाई, हाँ भाई है ईगल, और बिल्कुल पोज देके बैठी हुई है, देखो पोज देके बैठी पड़ी है। धुंध बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं हम एक्सप्लोर करते हुए, जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते हुए ऊपर जा रहे हैं जू को, तो वैसे वैसे धुंध बढ़ती जा रही है। देखो एंगल ढूंढ रहे, फोटोग्राफी हो रही है विशेष। ये है लेपर्ड की सिंगल रूम की, और ये रहा लेपर्ड। पानी पी रहा है। तो गाइस अभी हमने इस जू में टाइगर देखा, और लेपर्ड देखा, और इंडियन बियर देखा, और ईगल देखी। तो विशेष कैसा लगा फिलहाल तक का एक्सपीरियंस? अभी तक तो बहुत, ये थोड़ा हम नीचे चल रहे हैं ना इसीलिए ऐसा लग रहा है आपको। अभी तो पूरा जू बाकी है भाई। हाँ अभी तो जू बाकी, और धुन बढ़ती जा रही है भाई साहब। श्रीकांत मजे आ रहे हैं? हाँ मस्त, वो लेपर्ड इतना मस्त था, और वो अंदर था वो। हाँ भाई, एक चाल ऐसे इसमें पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट उसकी आंखें ना बिल्कुल ही डिफरेंट कलर में थी, पूरी डैमेज। हाँ पे अभी एक बंदा लापता है नेगी, हमारा एक जानवर लगता है पता नहीं कहाँ है, एक जानवर गया है अभी जू से। नेगी जल्दी आ, और ना शेर, ये लड़का शेर है, शेर है। कल इसके साथ हादसा हो गया था, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप उसे चेक कर जाओ, और देखो वहाँ पे मैंने स्टोरी वगैरह पोस्ट किया है पूरे नैनीताल टूर की, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। घुरल, तो इसका नाम घुरल है, और ये शायद डियर की भी वो है, एक हिमालय में रहते भाई, हिमालय घुरल। अच्छा तो ये ऐसी कुछ है, और मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर आप देख पा रहे हो तो ये रही है, दो है यहाँ पे, एक इस नो नो यहाँ पे तीन चार पाँच छः है,
और शायद ऊपर और होंगी पता नहीं, बट ये रहा ग्रुप पैन का छोटा सा एक हिमालयन गोरिल्ला का। चलो गाइस अब आगे देखते हैं। सी ये देखो यहाँ पे भी एनिमल्स हैं, देखो काफी डर गए भाग रहा है यहाँ से, तो साथ में तो काफी मजा आ रहा है यहाँ पे, क्यों नेगी? बट नेगी स्टोरीज बना रहा है और नेगी का भी इंस्टाग्राम हैंडल है, उसे भी फॉलो कर लेना, अंकित सिंह नेगी। हाँ अंकित सिंह नेगी और विशेष सोहेल और श्रीकांत की मैं आपको जो इनके इंस्टाग्राम लिंक्स है वो शेयर कर दूंगा, आप इन्हें भी जाके फॉलो करो। तो कुछ डिस्कशन चल रहा है कि क्यों वो सिंग वगैरह काटे जाते हैं जानवरों के हैं। भाई नेगी भाई बोल रहे हैं इससे कंघी बनाई जाती है, बटन बनाया जाता है, काफी चीज होता है मेडिकल पर्पस और ये चीज। देखो कि मैंने बोला कि बहुत अनएथिकल चीज है, जानवर को हम नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है उनकी भी लाइफ है। स्टेपड़े दोनों के दोनों, ये तो घूम ही रहा भाई छत पे, घूम रहा इधर-उधर दूसरा वाला भी बैठा था, कर्तव्य कर रहा था, उल्टा कर्तव्य कर रहा था, तभी लगा हुआ उसके वहाँ पे झूला सा, वो झूला भी झूलता है। चलो विशेष नेगी और श्रीकांत चलते हैं अब नीचे और करते हैं फूड एक्सप्लोर। तो इस वीडियो में फुल लाइफ में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा विशेष को, श्रीकांत को, आप नेगी को तो इंट्रोड्यूस पहले भी कर चुका, और ये है सोहेल खान, ठीक है। और अब हम खाएंगे टेस्टी टेस्टी खाना। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरे साथ मेरा फ्रेंड विनय। तो विनय आज कहाँ है हम फूड एक्सप्लोर करने? आज हमारे सुशी रेस्टोरेंट आए सत्य निकेतन में, यहाँ के मोमोज बहुत फेमस है, आज मैं भाई को लेकर आया मोमोज खिलाने के लिए। तो और हम खाली मोमोज नहीं खाएंगे, मोमोज के अलावा बाकी चीज़ें भी चेक करेंगे यहाँ पे कि कैसा होता है उनका टेस्ट। कुछ भी आया है विनय और सोहेल और श्रीकांत। तो गाइस हम आए केसी किचन में और भैया ने हमें एक डिश दी है मोमोज की। तो भैया कह रहे हैं, भैया ने भी अभी टेस्ट नहीं किया इसका कि कैसा है टेस्ट, तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। तो उससे स्टार्ट करते हैं। और भैया थैंक यू सो मच, आपने न्यू डिश ट्राई करने का मौका दिया। किया था और उसमें आपने डाले थे ऑनियंस वगैरह, इंडियन स्टाइल बटर चिकन वगैरह में होती है उसी टाइप का है कुछ कढ़ाई। हाँ कढ़ाई तो टेस्ट पनीर कढ़ाई चिकन उस टाइप की ग्रेवी का है भैया। देखो टेस्ट था डिफरेंट, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इन्जॉय किया खाना। तो आप मैंने टू भी ट्राई कर केसी स्पेशल मोमोज, अभी ये अनोन है इसका नाम, अभी कुछ रखा नहीं है भैया ने, हमें अपडेट करेंगे तो उसके बाद आप, पर आप अभी भी आके एंजॉय कर सकते हो इन मोमोज को, अगर भैया से आप बोलोगे कि केसी स्पेशल मोमोज होंगे तो आपको बना के दे देंगे। जो भैया मोमोज तो ये आ गए क्रंची चिकन, ये देखिए चिकन। तो गाइस अब हम ट्राई करते हैं क्रंची चिकन मोमो, तो वैसे चिकन से तो एकदम फुली लोडेड है, कैसा है टेस्ट? चलो अब मैं भी बताता हूँ आपको टेस्ट करके कि कैसा है। काफ़ी कुरकुरे मोमोज है और अच्छे से एकदम वो हो रखा है, फ्राई हो रखा है। चिकन में तो बिल्कुल कमी नहीं थी, फुली लोडेड था इसमें, से हमारे इसमें भी फुली लोडेड था चिकन से, और इसमें फ्राइड मोमोज में भी एकदम लोडेड था चिकन, तो इसका भी टेस्ट काफ़ी बढ़िया था। और जो भैया बता रहे स्पेशल है यहाँ का, एक बार ट्राई करना आप आके यहाँ पे। और हम चिकन स्प्रिंग रोल, तो अब हम ट्राई करेंगे चिकन स्प्रिंग रोल, दिख रहे होंगे और कैप्सिकम दिख रहा है और ऑनियन दिख रहे हैं, तो अब मैं इसे टेस्ट करता हूँ। ये भी इसकी चटनी और काफ़ी अच्छे से प्लेटिंग करी हुई है भैया ने, और आप कैफे देख रहे हो बहुत सुंदर है, तो अब मैं इसे ट्राई करता हूँ। चिकन की काफ़ी अच्छी फिलिंग लग रही है और हल्का सा टेंगीनेस भी लग रहा है, जो कि आई थिंक प्याज से लग रहा होगा, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था। और चटनी तो ऑसम है, रेड वाली इनकी जो मोमो की चटनी है ना, टेस्ट काफ़ी गुड है इसका। मैं एक चीज़ और एक्सप्लोर करूँगा, एक ये है ग्रेवी बोलूँगा, मलाई लग रही है, तो मलाई हम्म,
कोई कंप्रोमाइज नहीं कर दिया है स्टार्ट बाकियों ने भी सोहिल ने। ये कौन सा मोमो है? ये हमारा ग्रेवी मोमो। ग्रेवी मोमो आप इसे ट्राई कर, लगा डिफरेंट। ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ना। और इसके अंदर आपको सबसे पहले जो आप ट्राई मतलब टेस्ट करोगे तो इसमें आपको ग्रेवी का पहले मलाई जैसा नहीं आया, एकदम टेस्ट है ना, एकदम मलाई जैसा प्योर। और विशेष ये कैसा लगा जो स्पेशल है आपका? बहुत खतरनाक भाई है, बढ़िया ना, बहुत बढ़िया भाई। इसकी भाई ग्रेवी ना बिल्कुल जैसे कढ़ाई पनीर स्टाइल होती है, इंडियन स्टाइल है ना वैसे ही बिल्कुल। और काफी अच्छा है, एकदम कितना लजीज। हां एकदम रंग देखो ना कितना बढ़िया है इसमें, गोल्डन कलर का। और श्रीकांत, श्रीकांत क्या खा रहा है? चिकन खा रहा है, क्रंची मोमो, क्रंची मोमो, चिकन क्रंची मोमो। पहले भी खाया है ये, मगर यहाँ का टेस्ट बहुत यूनिक है ना, ऑसम। और विनय, विनय तो भाई हमें लेके गया है, जो भैया ने लिए थे हमने लाके, जो कि ऑसम टेस्ट है उसका। और ये क्रंची मोमो भी काफ़ी लजीज थे, और सारी चीज़ें लजीज थी। बट अभी हमारे ड्रम्स ऑफ हेवन आ रहे हैं, वो हमने अभी ऑर्डर किए हैं, तब तक हम ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं। और होपफुली आपने भी फूड को एंजॉय किया होगा हमारे साथ, है ना। तो मैंने अब ये ट्राई करें ऑसम। तो हम ड्रम्स ऑफ हेवन से पहले ये ट्राई करेंगे हमारे चिली पनीर। तो चिली पनीर में आप देख रहे हो अलग येलो कैप्सिकम है, ग्रीन कैप्सिकम है, रेड कैप्सिकम है और ऑनियंस है। और जो ग्रेवी है वो फुली कोटेड है हमारे पनीर से। तो अब मैं ट्राई करके बताता हूँ कि मैंने पनीर एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुँह में डालोगे घुल जाएगा आपके। और जो ग्रेवी है ना काफ़ी अच्छा फ्लेवर है इसका। और जो बाकी चंक्स आ रहे हैं ना ऑनियन और कैप्सिकम के, वो तो भाई ऑसम है। गाइस अब स्टार्ट करते हैं ड्रम्स ऑफ हेवन का टेस्ट रिव्यू, ठीक है। तो विशेष क्या एक्सपेक्टेशन है भाई? अभी तक जितने भी खाया एकदम उम्दा उम्दा, बहुत मजा टेस्टी। तो सारी चीजें थी काफी टेस्टी थी। अब फाइनल बची हमारी ड्रम्स ऑफ हेवन, तो इसको करते हैं ट्राई। चीयर्स। तो गाइस ये आ गए फाइनली हमारे ड्रम्स ऑफ हेवन, और इसके साथ मिले हमें टॉम्सन, ठीक है। तो इस मिंट चटनी के साथ हम ट्राई करेंगे ड्रम्स ऑफ हेवन। सुंदर लग रहे हैं और एकदम ग्रेवी, एकदम ग्रेवी से एकदम लिपटा पड़ा है, है ना। तो आप इसे ट्राई करते हैं, कोरिएंडर भी लग रहा है इसको। हाँ कोरिएंडर डालो आप ऊपर से गार्निशिंग के लिए, ट्राई करते हैं। ये चटनी के साथ ट्राई करने वाले जो चिकन है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम मुंह में घुल जा रहा है। और जो उसके ऊपर बैटर लगा है ना टेस्टी आ गया, उसका भी बहुत तगड़े है। जो इसकी सॉस है केचप है जिस पे सॉस यूज़ किया है ना, बहुत ही ऑसम है। और जो इसको ड्रम्स ऑफ हेवन को बना देती है और ज़्यादा स्पेशल, ठीक है। जो उसकी आउटर कवर है वो क्रंची है और अंदर से चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अभी तक मुझे ये सबसे बेस्ट लगा है, बाकी चीज़ों में मेरे का पर्सनली बेस्ट ड्रम्स ऑफ हेवन लगे, क्योंकि और वो जो स्पेशल मोमोज थे उनको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एकदम ऑसम टेस्ट है। और भैया ने इतना प्यार दिखाया कि वो हमें सर्व किया, जो भैया ने भी ट्राई नहीं किया अभी डिश। तो गाइस आप भी ऐसे ही मील इन्जॉय करते रहो, इसे यहाँ पे विज़िट करो। मैं जो यहाँ पे कैफ़े की लोकेशन मैं आपको मेंशन कर दूँगा जो डिस्क्रिप्शन है, और आप यहाँ पे आके बात भी कर सकते हो भैया से। और जो स्पेशल मोमोज के लिए वो एक बार ट्राई करना है यहाँ पे आके, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टेस्ट था। और जो मलाई मोमोज थे बहुत ज़्यादा बढ़िया, तो चलो आप भी इन्जॉय करो फूड। टेस्ट कैसे लगे ड्रम्स ऑफ हेवन भाई? बहुत ही ऑसम टेस्ट, मतलब रिव्यू ठीक दिया ना, सही था ना टेस्ट भाई? टेस्ट इनका हर चीज़ का ठीक था, हाँ सब चीज़ बढ़िया थी। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है जो है हमारे ड्रम्स ऑफ हेवन, बट जो स्पेशल मोमोज थे चिकन मोमो उसका तो बात ही अलग था भाई। तो बढ़िया लगा टेस्ट? बहुत बढ़िया है। सॉस के बारे में क्या कहेगा? सॉस कैसे? सॉस इसकी काफ़ी अच्छी है, और एकदम ना ज़्यादा स्पाइसी ना ज़्यादा नॉर्मल, काफ़ी अच्छी सॉस है इसकी। और ये देख आप देख रहे हो लैक्टिस कितना अच्छा लग रहा है। श्रीकांत देखो इसका मन नहीं भर रहा अभी क्रंची मोमोज से ना, इसने एक प्लेट मंगा ली। मुझे इतने पसंद आ गए मैंने
एक और प्लेट मंगा ले। विनय विनय नहीं छोड़ रहा भाई, विनय लगा पड़ा है, तो फैन है। टर्म्स ऑफ हेवन की पीस के लिए रही है मारा मारी, मतलब कोई नहीं खाना चाह रहा क्योंकि हो गया एकदम पेट 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 हो गया एकदम भर गया। ये विनय ही है हमारा शेर, सब क्लीन कर दिया, कुछ नहीं बचा, श्रीकांत ये बचा है। आपका नाम भैया? मेरा नाम मानवेंद्र सिंह है। अच्छा भैया, आपको ये कैफे ओपन करे हुए कितना टाइम हो गया? ये रेस्टोरेंट ओपन किया हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पे 1.5 साल हो गए। अच्छा, लास्ट ईयर फेब में ओपन किया था। अच्छा, इससे भी पहले कहीं और था ये? हाँ जी, हमारा 2013 से हमारा चल रहा है द्वारका सेक्टर 7 में। ओके, हमारी टोटल 4 ब्रांचेज हैं। ओके, रामपुर चौक में है सेक्टर 7 द्वारका। ओके, एक सत्यनिकेतन, एक आपका जनकपुरी में है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, और एक आपका रोहिणी में। इसे आपने खोला था? बेसिकली ये जो थीम है ये मेनली है मिडिल क्लास लोगों के लिए और हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। ओके, हाँ, कि यहाँ का क्योंकि हर कोई जो है ज़्यादा महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है। हाँ, जैसे कि अभी आपने देखा, जैसे आप लोग 5 लोग हैं, हाँ, आप लोगों ने भर पेट अच्छी क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी और आपको जो मन में आप लोगों को खाया, हाँ, उसके बाद भी आपका 5 लोगों का 1300 रुपये का बिल बना है। और वो भी भैया आपने कॉम्प्लीमेंट्री दिया था जिसमें पर पर्सन मैक्स टू मैक्स भी 250 का पड़ा है। ओके, तो आपने पूरा मन भर के खाया। बिल्कुल बिल्कुल, और मेन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप ज़्यादा दिन गोइंग ऑन एक्सपेंसिव ज़्यादा के आप पर पर्सन 800 या 900 रुपये पे कर रहे हो, आप एक कम कीमत में अच्छा खाना और बैठ के एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। बट फिर भी भैया आपने फूड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना टेस्ट के साथ किया कॉम्प्रोमाइज़, ये यूनिक चीज़ लगी आपकी, बढ़िया लगी चीज़, और इतने कम प्राइस में। और बाकी भैया आपकी नई जो आ रही है मोमोज की डिश, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये इंग्लिश स्टाइल मोमोज है जो कि अभी हमारा ट्रायल फेज पे चल रहा है। ओके, जो कि अभी हम लोग जितने हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हमारे केसी रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, ओके, हम उनसे डिश करा रहे हैं। जैसे आप अभी फर्स्ट टाइम हमारे पास आए हो दोबारा से, जी जी जी, उन्होंने बोला आपको भी ट्राई कराएं कि आप भी एक हम लोगों को एक फीडबैक मिल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर वाइट डिश है आगे कस्टमर्स को पसंद आएगी या नहीं आएगी। देखो मेरे को तो पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी, काफ़ी इंडियन टेस्ट था और अच्छा था मोमो। आप पे अगर फूल लाइफ की तरफ से कोई आता है आप उसको प्लीज़ डिस्काउंट दे सकते हो? आपको स्ट्रेट 10% डिस्काउंट देंगे जो भी आपको वीडियो दिखाएगा। ये होगी एंड, अब है फोटो सेशन विशेष स्टार्ट हो गया। आ जाओ भाई सब लोग। क्या अभी विनय और आएगा? विनय के लिए थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, वाइड एंगल शूट करना पड़ेगा। आ गया विनय, आ गया तो विनय भी आ गया। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। ऐसे हम अलग अलग जगह एक्सप्लोर करेंगे, जैसे भैया का कैफे क्या था जहाँ पे फूड था एकदम ऑसम और आपको बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे मिलती है सारी चीज़ें।